गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, ये आपकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पेपर से है। आज हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन, क्या हिस्ट्री रही है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिटेल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Plant tissue culture is in vitro aseptic culture of cells, tissues, organs. मतलब हम जिस तरह से in vitro culture में या lab के अंदर या किसी ऐसी conditions जो environmental conditions हम control करके रखते हैं, not naturally, जो physical parameters हम control करके रखते हैं उसके अंदर, उन कल्चर उस कंडीशन के अंदर अगर कोई सेल टिश्यू ऑर्गन्स ग्रो करवाते हैं या होल प्लांट ग्रो कराते हैं, दैट इज द प्लांट टिश्यू कल्चर। हम इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि हम क्यों 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 करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। हम रिसर्च पर्पस के लिए करते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनके लिए करते हैं, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिक एप्लीकेशन क्या है? अगर हमको नॉर्मल सिर्फ स्टडी करनी है किसी हम प्लांट के पाथवे को, मॉलिक्यूलर पाथवे को या उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, कौन से सिस्टम्स होते हैं, प्लांट कैसे ग्रो करता है, कितना पानी लेता है, कैसे इसके अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, या हम एनवायरमेंटल एप्लीकेशन कि अगर हम किसी जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, तो भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प लेते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जो आज कल कम मिलते हैं या आगे हमें लग रहा है कि ये खत्म हो जाएंगे, उन सब के लिए भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू उनके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें ये आगे जाके फ्यूचर में ऐसा ना हो कि वो प्लांट्स अवेलेबल ही ना हो। थर्ड इज कमर्शियल एप्लीकेशन। कमर्शियल एप्लीकेशन में आपका आता है जैसे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना, या कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते हैं, तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से उन प्लांट्स को ज्यादा ग्रो करा सकते हैं, उनमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकाल सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिटेल आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है और आपको पता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट में से निकलते हैं। तो अगर प्लांट पूरे प्लांट को काट के हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकाले तो भी उसमें से कम निकलता है और इससे प्लांट भी पूरा का पूरा सैक्रिफाइस होता है। इसलिए टिश्यू कल्चरिंग की हेल्प से हम उन पार्ट्स को, प्लांट के उन पार्ट्स को ग्रो करवा सकते हैं जिसमें से वो पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमें मिलता है। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट हिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके वन मार्क के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर जो था वो स्टार्ट तो हम बोलेंगे जो बेसिक हम इसका मानते हैं कि सेल थ्योरी से स्टार्ट हुआ, व्हिच वाज गिवन बाय शिल्डन एंड श्वान इन 1838-39 में। जब ये सेल थ्योरी आई शिल्डन एंड श्वान की वजह से ही स्टार्ट हुई, तो वहीं से हम बोलेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर की स्टार्टिंग हुई। अभी ये कुछ नाम है यहाँ मैंने चूज किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप कुछ और भी नाम जो है वो जब हम पूरा का पूरा कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ भी करेंगे, वो भी आप याद रखें क्योंकि वन मार्क के क्वेश्चन के लिए आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हो कि 1902 में स्टार्ट हुआ, हैबरलैंड ने स्टार्ट किया इन विट्रो सेल कल्चरिंग को। उसके बाद 1926 में वैंट ने डिस्कवर किया फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन इंडोलैसिटिक एसिड। फिर 1939 में गोथरेट ने और गोथरेट वाइट और नेवरकॉर्ड ने जो प्रोलिफिकेशन ऑफ कैलस कल्चर के बारे में हमें बताया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और लर्न भी कीजिए। नेक्स्ट इज 1941 में कोकोनट मिल्क जो यूज किया गया एज ए आपके जो आपने कल्चर मीडिया बनाया, कल्चर मीडिया के अंदर कोकोनट मिल्क को सबसे पहले यूज किया गया धतूरा की ग्रोथ के लिए। धतूरा में जो सेल डिवीजन करवाने के लिए उसका जो कल्चर ग्रो करवाने के लिए यूज किया गया उसमें कोकोनट मिल्क डाला। इसके अलावा इसमें ये सब नामों के अलावा सूगन मिलर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सूगन मिलर ये कंसेप्ट
हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन, कि जो भी ऑर्गन्स प्लांट में बनते हैं ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर, मे बी इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लांट टिश्यू कल्चर आई से पीटीसी, सो पीटीसी इज प्लांट टिश्यू कल्चर. सो इन पीटीसी फॉर प्लांट ग्रोथ, ऑर्गन ग्रोथ, फॉर्मेशन, स्कूल एंड मिलर गेव दिस कंसेप्ट. देन 1959 डैकस कोरोटा का सेल सस्पेंशन शुरू किया. डैकस कोरोटा इज गाजर, इफ यू डोंट नो. इसमें क्या किया गया, एम्ब्रियो फर्स्ट टाइम, जो एम्ब्रियो था फर्स्ट टाइम बनाया गया किसका, गाजर का. सबसे पहली बार कैलस बनाया गया और उससे कैलस से एम्ब्रियो ग्रो करवाया गया डैकस कोरोटा गाजर का. फर्स्ट टाइम अगर हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को किसी ने किया, दैट वाज कोकिंग इन 1960. बर्जमैन इन 1960 गेव द टेक्निक ऑफ दिस सिंगल सेल प्लेटिंग टेक्निक. सिंगल सेल कैसे अलग किया जाए, फिर उसकी प्लेटिंग की जाए. और ये आप बहुत बार पढ़ते हो, लेकिन आप शायद इसका फुल नेम कई बार नहीं याद रखते हो, लेकिन इस बार याद रखिएगा. मोशिगन एंड स्कूव इन 1962 गेव दी develop the MS media. MS media जो आप normally use करते हैं lab में, MS media that is called Mushinga and Cook media, given in 1962. 1966 Stewart demonstrated totipotency. First time उसने totipotency के बारे में बताया कि कैसे एक carrot plant को उसने from single cell of tomato से उसने regenerate किया manipulations के साथ पूरा का पूरा plant. Now coming to the next, tissue culture is of basically two types, plant tissue culture and animal tissue culture. Unfortunately, in your third year, you will study both plant tissue culture in plant biotechnology and animal tissue culture in animal biotechnology. Plant tissue culture is same, aseptic conditions ke andar jab aap kuch grow karwate ho, आप पूरा प्लांट ग्रो करवा सकते हो या फिर आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकाल सकते हो उसमें से, इसके लिए आप इसको ग्रो करवा सकते हो. कैलस इज प्रोड्यूस्ड. कैलस इज, व्हाट इज कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. उससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो है प्लांट रीजनरेट करवा सकते हो और या फिर मैनिपुलेट करके सम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. Right? The plant tissue culture refers to cultivation of plant cells, which normally form in multicellular tissues. अभी इन सब चीजों के अलावा यहाँ हम बात करेंगे कि हम ऑर्गेनोजेनेसिस, मेरिस्टेम कल्चर्स की बात करते हैं, ये सब ग्रो होते हैं. इन विट्रो कल्चरिंग से हमें बहुत बहुत चीजें मिलती हैं, लेकिन इसमें टू बेसिक प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं. This is the basic problem to keep the plant cells or organ free from microbes. क्योंकि आप lab में काम कर रहे हो तो वहाँ की conditions आपको बहुत ही ज़्यादा hygienic रखनी पड़ेगी, otherwise उसके अंदर microbes grow कर सकते हैं जिससे आपका culture खराब हो सकता है. और to ensure the desired development of cells and organs by providing suitable nutrient media and other environment conditions. और दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपकी कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हो, आपको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रॉपर देना पड़ेगा. आप किसी भी चीज क्वांटिटी को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे उससे आपका कल्चर खराब हो जाएगा. तो एक तो आपको बहुत सारे हाइजीनिक कंडीशंस में काम करना पड़ेगा फ्री ऑफ माइक्रोब्स हो, दूसरा आपको न्यूट्रिएंट मीडिया जो है प्रॉपर रखना पड़ेगा. Now coming to the advantages क्या हैं? First availability of raw material. जब मर्जी आप चाहें, अगर आपका कल्चर अच्छा चल रहा है, आपने अच्छे से काम किया है और आपने यूनिफॉर्मली उसको उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, तो आपको यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलती रहेगी. मेडिसिन प्लांट्स जो है वो आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जिसके कारण आप जब चाहें फार्मास्यूटिकल्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स उसमें से बनाते रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दवाइयाँ हमेशा अवेलेबल होंगी. दवाइयाँ मीन्स मैं केमिकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, जो प्लांट से बनने वाली मेडिसिन हमेशा अवेलेबल रहेंगी.
सेकेंड फ्लक्चुएशन इन सप्लाईज एंड क्वांटिटी क्वालिटी, क्योंकि सीजन चेंज होते हैं, मौसम चेंज होता है, हम बोलते हैं बरसात हो गई, हम बोलते हैं बारिश, इसकी वजह से, गर्मी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से प्लांट में अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ये सब कमियां पीटीसी से ओवर हो सकती हैं, क्योंकि आप इन विट्रो कंडीशंस में काम कर रहे हो जहां आपने खुद कंडीशंस जो है आपके हाथ में कंट्रोल करना, तो आपकी सप्लाई और क्वालिटी सेम रहेगी जब अगर आपने कंडीशन सेम रखी है। तो न्यू मेथड फॉर आइसोलेशन, जो भी आपके न्यू मेथड फॉर आइसोलेशन है या आपके जो कंपाउंड्स हैं जहां से आप नई चीजें बना रहे हैं, उन सब चीजों को आप पेटेंट राइट लेके आप अपने अंडर पेटेंट कर सकते हैं, आपको पेटेंट राइट मिल सकता है। फॉर्चुनेटली फॉर दीज पेटेंट राइट्स एंड ऑल आल्सो यू विल स्टडी इन द आईपीआर बिकॉज आईपीआर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, सो आईपीआर वी विल टेक लेटर ऑन, तो आप ज्यादा पेटेंट राइट्स के बारे में जान जाओगे। सो दीज आर द पॉइंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Bio-transformation is functional group of organic compounds are modified by living cells. What happens in this? यहाँ पे हम bio-transformation किसको बोलते हैं? Bio-transformation बोलते हैं किसी भी functional group को modify करना। ये जो living cells हैं, it can be हम बोलते हैं modified by living cells. Modified by living cells means it can be by any organism, bacteria, fungi or enzyme, जो भी आपके लिए useful हो, ये enzyme living cells की help से आप manipulations कर सकते हैं अपने culture के अंदर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आप बनाना चाहते हैं, जैसी आप transformation करना चाहते हैं, वो चीज आप अपने substrate media के अंदर डाल देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप चीज ले रहे हो, जो भी आप इसके अंदर डाल रहे हो, एडिशन कर रहे हो, वो माइक्रोब्स फ्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो माइक्रोब्स लेके आ जाए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हो वो इस तरह से हो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो लेकिन वो कोई आपके कंटामिनेशन ना क्रिएट करे। कंटामिनेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पीटीसी में, सो इट शुड बी टेकन इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्क, द मीडिया और द सबस्ट्रेट और व्हाटएवर दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट यू आर एडिंग, दैट शुड बी microbes free or that should not be contaminated. Desired free or desired propagule, आप जो भी आपके लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप करते हो प्लांट्स की वो आप ज्यादा बना सकते हो, इसके साथ साथ डिजीज फ्री आप प्रोडक्शन कर सकते हो क्योंकि आपने उसको प्रॉपरली कंडीशन में बनाया है और आप उसको जब भी आपने उसको जब भी जरूरत है तब उसको बनाया है, आपने उसको लॉन्ग स्टोरेज के लिए भी रखा है तो आपने उसको क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू रखा है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस और आपने हो सकता है कि आपको बहुत दूर भेजना है, बायो ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो आप उसको इमेच्योर स्टेज में भी भेज सकते हो ताकि जहां वो अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे जाके उसको दोबारा से ग्रो करवा सके। इस तरह से डिजायर्ड ट्रॉप्यूल आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि आप पूरे प्लांट को ट्रांसफर कर नहीं सकते हो, तो पीटीसी के थ्रू आप छोटे प्लांटलेट्स कैलस ट्रांसफर कर सकते हो जो हेल्प करेंगे डिजीज फ्री प्लांट को और डिजायर्ड प्लांट को जहां पे डिजायर्ड प्लेस हो वहां पे ग्रो करने के लिए। Biosynthetic pathway tissue culture can be used for the biosynthetic pathway study that we have discussed earlier. Next is immobilization of cells. Tissue culture can be used for plant preservation by immobilization. आपने पढ़ा भी है second year में जब plants के अंदर metabolize करवाया था मैंने कि entrapment होती है cells की. Entrapment क्या होती है cells की? जब कोई cells आप किसी matrix में fix कर देते हो, वो जो आपने matrix या polymer में fix किया हुआ है, वो cell जो है, वो एक तरह से एक shield बन गई उसके आसपास, वो बाहर की जितने भी शेयर फोर्सेस हैं, जो हार्ड फोर्सेस हैं, जो उसको डैमेज कर सकती हैं सेल को, उससे बच जाएगा। मींस अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्स या एंजाइम्स को एंट्रैप करवा दिया जाता है किसी ऐसे मटेरियल के साथ जिसके अंदर वो सेफ रहेंगे। तो अगर वहां पे अगर किसी आप
कल्चर चला रहे हैं जिसमें आप एजिटेट कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हो, तो उसकी जो फोर्सेज हैं पानी की या मीडिया उसके आसपास सर्कुलेट हो रहा है, तो वो सेल्स को डैमेज नहीं करेगा क्योंकि उसके आसपास एक लेयर बनी हुई है मैट्रिक्स या पॉलीमर की। तो आप जैसे आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था शायद कैल्शियम एल्जिनेट वाला, जिसमें आपने सोडियम एल्जिनेट और उसके बीड्स बनाए थे, सोडियम एल्जिनेट और एंजाइम भी कैल्शियम क्लोराइड में डाल के आपने दोनों को मिक्स किया था, जिसकी वजह से आपने पोलर लिए थे फ्लावर के, उसके अराउंड आपने देखा होगा सोडियम एल्जिनेट की कैसे बीड बनी थी जिसके अंदर वो पोलर जो थे वो सेफ पड़े हुए थे। तो ये वही है, इस तरह से पीटीसी के थ्रू आप सेल्स को इमोबिलाइज कर सकते हो और उसको सेव करके रख सकते हो ज्यादा टाइम के लिए। और एडवांटेजेस क्या हैं? सेम कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म बायोमास इज ऑब्टेन्ड, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी सिंथेसाइज्ड, यूजफुल नेचुरल कंपाउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, medicinal plant species can be improved, propagation of the plant seed without seed yahan seed ki zarurat nahi hai, simple aap plant ke cell se bhi ek plant bana sakte ho, plantlet bana sakte ho, to this is important। disadvantages, कोई भी चीज एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस तो जरूर रहेंगे। यहाँ पे क्या है सिंपल, अगर वर्ड्स में मैं इसको कन्क्लूड करूँ, वो सिंपल ये है, ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज चाहिए हाई लेवल की, छोटी सी भी आपकी गलती से आपका प्रोडक्ट या प्लांटलेट जो बन रही थी वो खराब हो सकती है, थोड़ी सी भी कंटामिनेशन आपके पूरे रिजल्ट्स को माइनस कर सकती है, आपका जो भी आपने अगर कुछ भी सब्सट्रेट गलत डाल दिया है, ज़्यादा या कम डाल दिया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कम या ज़्यादा हो गया, उससे भी आपके प्रोडक्ट पर बहुत फर्क पड़ सकता है, तो आपके थोड़ी सी भी चेंज से आपका फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। इसके अलावा ग्रोथ कई मामलों में स्लो भी होती है और कई बार बहुत एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि आप कई बार मीडिया जो बनाते हो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और कई बार बहुत सारे सेल्स जो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं कल्चर के अंदर, वहाँ पे एरिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एरिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, स्लो ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंसिव है, और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसेप्टिक कंडीशंस आर टू बी मेंटेन व्हिच इज डिफिकल्ट, और ये थोड़ी सी भी कंटामिनेशन आपके पूरे रिजल्ट्स को खराब कर देती है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ टिश्यू कल्चरिंग, नाउ इन नेक्स्ट वी विल लर्न मेनी न्यू थिंग्स अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर। एक बार आप सारी स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िए और खासकर हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ो, और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वी विल टेक इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।